मैं दुबड़ नगरी का सरपंच जितेंद्र जी। सर, ये आरोप लगाए जा रहे हैं आपके गांव के जो परिवार है, प्रीति का परिवार है, उसके द्वारा ससुराल वालों पर कि बेटी की हत्या हुई, कितनी सच्चाई लग रही है बातों में? उसमें 100% सच्चाई है। कैसे? पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल, पीछे मेरी वीडियो देखी है, प्रीति जिसके दुबड़दन गाँव से जो लड़की, आरोप लगाए जाते हैं परिवार के कि मेरी बेटी की, द्योती की और द्योते की, तीनों की हत्या कर दी जाती है ससुराल वालों के द्वारा। सरपंच है, गांव के प्रतिनिधि हैं, बहुत ही ये कह लीजिए कि जिम्मेवार व्यक्ति, हम कहेंगे समाज के सबसे जिम्मेवार व्यक्ति माना जाता है सरपंच साहब को। ये जो बात कहेंगे इनकी बातों में, मुझे लगता है सच्चाई होगी, कोई भी बात बिना निराधार नहीं कहेंगे। राम राम सर, अपना शुभ नाम एक बार दर्शकों को बता दो। दुबड़ नगरी का सरपंच जितेंद्र जी। सर, ये आरोप लगाए जा रहे हैं आपके गाँव के जो परिवार है, प्रीति का परिवार है, उसके द्वारा ससुराल वालों पर की बेटी की हत्या हुई, कितनी सच्चाई लग रही है बातों में? उसमें 100% सच्चाई है। कैसे सर? कि उसको पहले प्रताड़ित किया जाता था। अच्छा सर, ये नॉलेज में हाथ थी। हाँ जी। और तब हम उसका वहाँ से फोन आया था बड़न से, वो डेड बॉडी बड़न मिली थी नहर में, कि भाई यहाँ पे है ऐसे ऐसे है। तो हम तब गए ना, तो हमें डेड बॉडी मेडिकल में मिली थी जी। छोटी लड़की थी और वो प्रीति थी। किस हालत में थी दोनों की? वो उसको चोटें लगी हुई थी। चोट लगी, कहाँ लगी हुई थी सर? उसके पूरे बदन पे ही थी। अच्छा सर। हाँ, सर में भी चोट लगी थी और पैर पे भी थी और यहाँ पे भी थी जी। और कपड़े फटे हुए थे। अच्छा सर। हाँ जी। तो सर, अब 3 महीने लगभग हो चुके हैं, आज क्या कारण है सर? आज मीडिया में परिवार को आना पड़ा है, पूरे समाज को आना पड़ा, पूरे गांव को ही कहूँगी मैं तो, ऐसा क्या हुआ है सर? इस बारे में तो देखो क्या बताएं, ये बहुत ही गरीब परिवार है और इनकी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, ये DC के भी गए हैं और SP के भी गए हैं, वहाँ भी इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है जी। अनिल विज के भी गए, यानी इन्हें जहाँ जा सकते थे ना ये वहाँ तक गए हैं, पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है अब तक। आप बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति हो, प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे? सबकी बेटियाँ सबकी सांझी होती है, क्या कहना चाहोगे? इसके लिए बस यही है कि भाई गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। हाँ, और जो ये ऐसे कर्म करते ना उनको दंड मिलना चाहिए। और उन जो सर जो बेटी तो मारी है, वो तो हर रोज हम देखते हैं समाज में, हर रोज लेडीज के साथ ऐसा होता है। जो बिटिया थी 2 साल की, उस पर रस्सी मिली है, वो तो फोटो में है, वो किसी की बनाई हुई बात नहीं है। 2-2 साल के बच्चों की ऐसे अगर ऐसा हुआ है, जान ले ली जाती है, तो उनको आप इंसान कहोगे या राक्षस कहोगे? क्या वो इंसान तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये भी बात निकल कर सामने आ रही सर कि जो बेटा था 2 महीने का, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको मारा गया है या उसकी वैसे ही? वो तो उस टाइम पे तो वे 2 ही थे, वो लड़का तो उनके पास था, वो मारा है या क्या क्या, वो तो वो जाने। मतलब तीनों ही खत्म है? तीनों खत्म। क्या कहना चाहोगे अगर सर इसके पीछे अगर ये चीज निकल के आती है कि हत्या कर दी जाती है बच्चों की भी, तो ऐसे इंसानों को क्या कहोगे? समाज में रहने का हक नहीं, ऐसे इंसान को समाज में रहने का कोई हक नहीं होता। इंसान कहलाने का ना है, खो चुके हैं वो तो इंसान कहने का। अगर सजा की हम बात करें तो क्या सजा होनी चाहिए ऐसे इंसानों को? जो ऐसे को तो फांसी हो जानी चाहिए, कोई और इससे कम नहीं। नहीं, नहीं, इससे कोई समझा भाई, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, जबकि हम बार बार यही कहेंगे कि पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की जाए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज मजबूरी में यू परिवार मीडिया पर आया है, सोशल मीडिया पर आया है, जब थक हार के कोई रास्ता नहीं दिखा तो इन्होंने हमारे पास कॉल की है। प्रशासन से मेरी अब भी रिक्वेस्ट है कि इसमें अच्छे से जो है जांच की जाए, जो भी निकल कर सामने आवा वो परिवार तक बताया जावे, ताकि इनका संतुष्टि होवे। एक संतुष्टिजनक जांच हम कहेंगे वो होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।